पेशाब करते समय सफेद पानी क्यों निकलता है? आयुर्वेदिक उपाय। पेशाब के पहले या बाद में सफेद पानी वीर्यक का निकलना धातु रोग कहलाता है। धातु रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक स्वखलन होता है या लिंग से तरल पदार्थ निकलता रहता है, या वीर्य का निर्वहन अक्सर मूत्र के साथ होना और अचानक होने वाले स्वखलन से पीड़ित व्यक्ति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति के यौन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार की समस्या को आयुर्वेदिक उपचार से ठीक किया जाता है। धातु रोग के लक्षणों में ऊर्जा की कमी, यौन इच्छा में कमी, कब्ज आदि शामिल है। पेशाब में सफेद पानी आने का कारण वीर्य काफी पतला होना होता है। इस वीडियो में हम पेशाब करते समय सफेद पानी को रोकने के लिए आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बता रहे हैं। इस आयुर्वेदिक उपचार से धातु रोग की समस्या से छुटकारा मिलता है। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। धातु रोग का आयुर्वेदिक उपचार। मूंगफल एवं महारसायन कैप्सूल धातु रोग के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार है। यह पुरुषों को पेशाब के दौरान वीर्य के अनैच्छिक स्खलन, सफेद पानी को रोकने में मदद करता है। पेशाब के दौरान स्खलन को रोकने के लिए मजबूत नसों की आवश्यकता होती है जो वीर्य को बंद रखती है। यह आयुर्वेदिक उपचार मजबूत तंत्रिकाओं, सक्रिय प्रजनन प्रणाली और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इष्टतम उपलब्धता प्रदान करता है। यह आयुर्वेदिक उपचार पुरुष के जननांग अंगों की ओर रक्त का प्रवाह अधिक रखता है और पुरुष की शक्ति और पौरुष को बढ़ाने के लिए नसों, ऊतकों और अंगों को पोषण देता है। मूंगफल एवं महारसायन कैप्सूल्स प्रभावी धातु रोग उपचार के साथ साथ कम कामेच्छा, शीघ्र पतन, नपुंसकता और कम वीर्य की मात्रा जैसी समस्याओं का इलाज करते हैं ताकि पुरुष को उच्च क्षमता और अद्भुत संभोग क्षमता प्राप्त हो। यह आयुर्वेदिक उपचार तंत्रिका कार्यों को उच्च रखकर पूरे पुरुष जननांग क्षेत्र को संवेदनशील रखता है। इससे पेशाब के दौरान स्खलन रुक जाता है। धातु रोग के कारण वीर्य की बार बार हानि प्रोस्टेट ग्रंथि को परेशान करती है, इसमें सूजन आ जाती है। पेशाब के दौरान स्खलन को रोकने के लिए यह उपचार स्वस्थ प्रोस्टेट कार्यों को बढ़ावा देता है और वीर्य की मात्रा बढ़ाता है। यह आयुर्वेदिक उपचार दुर्बलताओं और कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करता है और विकारों का इलाज करता है ताकि पुरुष को असाधारण संभोग क्षमता प्रदान की जा सके। मूंगफल एवं महारसायन कैप्सूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। धातु रोग को दूर करने के उपाय। अश्वगंधा। अश्वगंधा का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर सेवन करने से पुरुष प्रजनन क्षमता में सुधार होता है जो धातु रोग के लिए फायदेमंद होता है। अश्वगंधा में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो धातु गिरने की समस्या को दूर करते हैं। अश्वगंधा यौन कमजोरियों को दूर करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करके पेशाब करते समय सफेद पानी आने की समस्या को दूर करने में मदद करता है। लीची। लीची में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और मिनरल्स की मात्रा होती है जो धातु रोग की समस्या को दूर करने में कारगर होती है। लीची का प्रतिदिन सेवन करने से मूत्र के साथ वीर्यपात होने की परेशानी में राहत मिलती है। धातु रोग की समस्या से निजात पाने के लिए प्रतिदिन लीची का सेवन करना फायदेमंद होता है।
निष्कर्ष। इन उपायों के साथ यदि आयुर्वेदिक महारसायन एवं नो फॉल कैप्सूल का सेवन किया जाए तो परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अपने दैनिक जीवन में यदि आप घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों को एक साथ शामिल करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। नो फॉल एवं महारसायन कैप्सूल में जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे जड़ी बूटियां, अश्वगंधा, शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, सफेद मूसली, शतावरी, केसर, गुदारीकंद। यह जड़ी बूटियां धातु रोग की समस्या को दूर करने में अत्यंत फायदेमंद है। धातु रोग का आयुर्वेदिक उपचार। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, GMP प्रमाणित गुणवत्ता, संपूर्ण भारत में उपलब्ध। Buy No Fall and Maharasayan Capsules from Ayurved Research Foundation.in। प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।